So, the best TWS earbuds under 1500. तो देखो यार, आज की वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज 1500 रुपए एक ऐसा प्राइस सेगमेंट है जिसमें आपको TWS earbuds के सबसे ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस में से अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट TWS earbuds चूज करना थोड़ा मुश्किल है, बट नॉट एनी मोर बिकॉज मैंने काफी रिसर्च एंड टेस्टिंग करने के बाद आपके लिए 5 सबसे बढ़िया TWS earbuds सिलेक्ट किए हैं। सो लेट्स फाइंड आउट विच इज द बेस्ट TWS earbuds अंडर 1500 एंड 2021। लिस्ट में जो सबसे पहले TWS earbuds हैं वो है ptron के bassheads जेट्स। करंट प्राइस अराउंड 1000 रुपीज है। सिर्फ 1000 के प्राइस में भी आपको इसमें सारे 1500 वाले फीचर्स मिलते हैं एंड अमेजोन पे भी ये TWS earbuds स्पेशली इस प्राइस सेगमेंट के वन ऑफ द बेस्ट सेलर TWS हैं एंड अराउंड 57,000 से भी ज्यादा रिव्यूज हैं इसके। ईयरबड्स में 8mm के ड्राइवर्स मिलते हैं जो कि काफी बढ़िया साउंड आउटपुट दे देते हैं। TWS में टच कंट्रोल्स की सपोर्ट मिल जाती है, सो अगर आपने म्यूजिक को पॉज एंड प्ले करना हो या फिर कॉल्स को पिक एंड ड्रॉप करना हो तो वो आप इजीली कर सकते हैं टच कंट्रोल्स के साथ। दोस्तों ये TWS इन ईयर डिजाइन के साथ पैसिव नॉइस कैंसिलेशन का भी बढ़िया सपोर्ट देते हैं। बैटरी बैकअप की बात करें तो बड्स में 50mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है जिससे ये आराम से 4-5 घंटों का बैकअप देते हैं एंड 400mAh केस के साथ अराउंड 20 घंटे का टोटल बैकअप मिलेगा। ईयरबड्स में माइक्रो यूएसबी का सपोर्ट मिलता है एंड 0 to 100% अराउंड 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाते हैं। अब इन्हें वर्कआउट और बारिश के टाइम भी इजीली यूज कर सकते हो आप बिना किसी दिक्कत के बिकॉज ऑफ IPX4 सपोर्ट एंड इसके केस पे एक डिस्प्ले भी मिलती है जिससे बैटरी कैपेसिटी का स्टेटस इजीली पता चलता है। नेक्स्ट बेस्ट TWS earbuds अंडर 1500 रुपीज इज Mivi Duopods A25। 1200 रुपए इनका करंट प्राइस है। ईयरबड्स में 10mm के लार्ज डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं एंड प्राइस के अकॉर्डिंग ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्राइवर्स हैं। अभी इसकी कॉल क्वालिटी एंड बेस की बात करें तो इसमें आपको एक ठीक ठाक सी बेस मिल जाती है, मतलब एकदम से पंची बेस नहीं है इसकी, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग मतलब 1200 में काफी सही बेस है इसकी। एंड दोस्तों कंपनी के अकॉर्डिंग इसमें आपको 7.5 घंटे का बैकअप मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज एंड विद केस अराउंड 30 घंटे का बैकअप मिलेगा, लेकिन जब मैंने इसे टेस्ट किया तो ईयरफोन्स 5 घंटे से ज्यादा नहीं चले थे ऑन अ सिंगल चार्ज। एंड ईयरबड्स के साथ आपको टाइप सी केबल मिलती है एंड ये जो TWS ईयरबड्स हैं वो लिस्ट के बाकी सभी ईयरबड्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा हल्के हैं। ईयरबड्स का वेट सिर्फ 3.5 ग्राम्स है एंड विद केस इनका जो वेट है दैट इज ओनली 35 ग्राम्स। सो पहनने में जो इनका कंफर्ट लेवल है वो सच में काफी बढ़िया है। आप इन्हें जितनी मर्जी देर तक कंटिन्यूसली यूज कर सकते हो। इनमें आपको टच कंट्रोल्स एंड ब्लूटूथ 5.0 के साथ IPX4 रेटिंग मिल जाती है। सो ये जो ईयरफोन्स है वो वाटर स्प्लैश एंड डस्ट रेजिस्टेबल भी है। नेक्स्ट बेस्ट TWS earbuds अंडर 1500 रुपीज इज Boult Airdopes 1:1 V2। TWS का करंट प्राइस अराउंड 1300 रुपए है। इनमें 8mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, लेकिन 8mm के ड्राइवर से भी इनमें जो बेस है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल मिलती है। आई रियली लाइक इट एंड जनरली बोट के सभी ईयरफोन्स काफी बढ़िया बेस आउटपुट देते हैं। अभी आप में से जिन्हें पंची बेस ज्यादा पसंद है तो ये TWS आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। ईयरबड्स इन ईयर डिजाइन के साथ आते हैं। TWS में ब्लूटूथ 5.0 की फास्ट कनेक्टिविटी देखने को मिलती है एंड इसके केस में बैटरी स्टेटस जानने के लिए एक छोटी सी LED डिस्प्ले मिलती है एंड मेरे अकॉर्डिंग ये बढ़िया चीज है बिकॉज इससे यह आराम से पता चल जाएगा कि कितनी देर तक इनकी बैटरी चल सकती है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो बड्स में 40mAh कैपेसिटी की बैटरी मिलती है जो कि आराम से 3.5 घंटे का बैकअप देती है एंड विद 380mAh केस TWS आराम से 4-5 बारी फुल चार्ज हो जाते हैं 100%। सो सिंगल चार्ज पे TWS एंड केस दोनों अराउंड 30 घंटे का बैकअप देते हैं। ईयरबड्स माइक्रो यूएसबी की सपोर्ट के साथ आते हैं एंड अराउंड 2 घंटे में केस एंड TWS दोनों 100% चार्ज हो जाते हैं एंड इनका जो वेट है दैट इज ओनली 4 ग्राम्स। सो आप इन्हें भी लंबे टाइम तक इजीली यूज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब देखो यार, अच्छी अच्छी बातें तो बहुत हो गई, अब इसके कुछ कॉन्स भी जानते हैं। सबसे पहले तो इनमें आपको टच कंट्रोल्स नहीं मिलते, इनफैक्ट बटन्स मिलते हैं एंड ना ही इनमें कोई IP रेटिंग मिलती है। सो आप इन्हें बारिश या फिर वर्कआउट के टाइम इजीली यूज नहीं कर सकते एंड इट इज अ मेजर नेगेटिव पॉइंट। एंड देखो यार, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लग रही है तो प्लीज इसे लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, इससे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। एंड जितने भी ईयरबड्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उन सभी के बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो उन्हें आप जरूर से चेक करें। एंड 1500 के प्राइस में जो अगले बेस्ट TWS ईयरबड्स हैं वो है बोल्ट ऑडियो एयरबस FX1। अभी कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुए हैं, पहनने में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, सो आप इन्हें जितनी मर्जी देर तक यूज कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। एंड लिस्ट में सिर्फ एक यही TWS ईयरबड्स हैं जो कि IPX5 रेटिंग के साथ आते हैं, जिससे बाकी ईयरबड्स की तरह ये स्प्लैश एंड स्वेट प्रूफ तो है ही, लेकिन इसी के साथ ये पानी के लो प्रेशर को भी इजीली टैकल कर लेते हैं।
देखो यार, ईयरफोन्स में कितने एमएम के ड्राइवर्स हैं ये तो कंपनी ने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया, लेकिन मेरी यूजेज के अकॉर्डिंग इनमें मुझे अराउंड 8 एमएम के ड्राइवर्स लगे। इसी के साथ ईयरफोन्स में एक डिसेंट बेस एंड काफी बढ़िया कॉलिंग एक्सपीरियंस मिलता है। मतलब बहुत ही ओवर पंची बेस नहीं है, लेकिन एक काफी प्रीमियम क्वालिटी की बेस फील होती है। एंड बाकी TWS ईयरबड्स की तरह इनमें भी PNC यानी कि पैसिव नॉइस कैंसिलेशन की सपोर्ट मिल जाती है। TWS टाइप सी केबल के साथ आते हैं एंड ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं। अराउंड 1 घंटे में दोनों ईयरबड्स चार्ज हो जाते हैं फुल 100% एंड 1.5 घंटे में केस चार्ज हो जाता है। हालांकि ईयरफोन्स में कितने mAh की बैटरी है ये तो कंपनी ने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपनी इसमें आपको 8 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। लेकिन मेरी यूजेज में एट 60-70% वॉल्यूम ईयरबड्स आराम से 6 घंटे चल गए थे एंड विद केस आपको इनमें 24 घंटे का बैकअप मिलेगा। एंड जो केस है वो ईयरफोन्स को 3-4 बारी इजीली चार्ज कर सकता है 100%। TWS ईयरबड्स में ब्लूटूथ 5.0 की सपोर्ट मिलती है अलोंग विद टच कंट्रोल्स एंड इनमें आपको ऑटो पेयरिंग की भी सपोर्ट मिलती है। मतलब एक तो आपको हर बार डिवाइस के साथ इन्हें पेयर नहीं करना पड़ेगा एंड जैसे ही आपने ईयरबड्स को केस में से निकाला ये तभी अपने आप पेयर हो जाएंगे। एंड इनमें आपको मोनोपोर्ट फीचर मिलता है जिससे आप ईयरबड्स की पेयरिंग करने के बाद उन्हें सिंगल सिंगल भी यूज कर सकते हैं, सो इट्स अ प्लस पॉइंट। एंड 1500 में जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट TWS ईयरबड्स हैं वो हैं TRUKE Q1। अभी देखो ये जो ईयरफोन्स हैं इनमें आपको बाकियों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप मिलता है अराउंड 60 घंटे का, विच इज ह्यूज। एंड ऑन अ सिंगल चार्ज ईयरबड्स में आपको अराउंड 10 घंटे का बैकअप मिलेगा। एंड इसके केस में आपको एक LED इंडिकेटर भी दिया गया है जिससे आपको ईयरबड्स और केस इन दोनों की बैटरी के बारे में पता चलेगा। एंड इसमें आपको 400 mAh की बैटरी के साथ एक टाइप सी केबल मिलती है। अब इसका जो बैटरी बैकअप है वो तो एकदम कमाल का है। अब जानते हैं इसके कॉलिंग एंड बेस एक्सपीरियंस के बारे में। तो इसमें 10 mm के डायनामिक लार्ज ड्राइवर्स मिलते हैं जो कि SBC+AAC ऑडियो कोडेक्स को सपोर्ट करते हैं। मतलब इनमें जो बेस है वो आपको एकदम पंची सुनाई देगी, बेस के मामले में आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एंड इसके सिर्फ एक यही ईयरफोन्स हैं जो कि आपको सिर्फ 1500 के प्राइस में ENC यानी कि एनवायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन की सपोर्ट देते हैं जो कि इस बजट के TWS ईयरबड्स में नॉर्मली नहीं होती, सो इट्स अ प्लस पॉइंट। एंड इसके हर एक ईयरबड्स में आपको 2 माइक्स मिलते हैं जिससे इनमें जो कॉलिंग का एक्सपीरियंस है वो एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाता है। TRUKE Q1 का जो वेट है दैट इज ओनली 4 ग्राम्स फॉर ईच ईयरबड्स। मतलब पहनने में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, सुपर लाइट वेट है, ज्यादा देर तक भी इन्हें यूज किया जा सकता है। एंड कनेक्टिविटी में तो आपको इनमें 1% की भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली बिकॉज इनमें ब्लूटूथ 5.1 की सपोर्ट दी गई है। इन सभी पावर पैक फीचर्स के अलावा इसमें आपको एक गेमिंग मोड भी मिलता है जिससे इसकी जो लेटेंसी है वो 85 मिलीसेकंड्स की हो जाती है। सो गेमिंग के लिए अगर आपको TWS ईयरबड्स चाहिए तो आप इसे जरूर कंसीडर करें। एंड देखो यार, ट्रू के ही सेम एक S1 भी आते हैं एंड इन दोनों में जो एक मेन डिफरेंस है वो है बैटरी का। S1 में 500 mAh की बैटरी मिलती है एंड Q1 में 400 mAh की। बस इसके अलावा इन दोनों में एज सच कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप S1 को बाय करना चाहते हैं तो आप उसे भी कर सकते हैं, मैं दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। अब देखो यार, जितने भी बेस्ट TWS ईयरबड्स अंडर 1500 रुपीज हैं उनके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में पता है। आप इन पांचों में से किसी को भी बाय कर सकते हैं, ये पांचों ही वन ऑफ दी बेस्ट ईयरबड्स हैं। बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो उन्हें आप जरूर चेक करें। एंड अगर आपकी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट कर दो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।